की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कड़ाके की ठंड के बीच मौनी अमावस्या पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मौन रहते हुए गंगा में लगाई पुण्य की डुबकी। G20 सम्मेलन के अंतर्गत सिगरा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से निकाली गई रैली। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते पोल पर चढ़कर काम कर रहे लाइनमैन को लगा करंट। और भीषण ठंड को देखते हुए लोगों की सुविधा हेतु रैन बसेरों की हुई है उत्तम व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। कड़ाके की ठंड के बीच मौनी अमावस्या पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मौन रहते हुए गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। कड़ाके की ठंड के बीच मौनी अमावस्या पर लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या पर्व पर शनिवार को लाखों लोग मोक्षदायिनी गंगा की अविरल धारा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। गंगा घाटों पर भोर से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। लोगों ने सुबह सुबह कड़ाके की ठंड के बीच गंगा स्नान किया। बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच लोगों की आस्था नहीं डिग सकी और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर पहुंचकर स्नान कर दान पुण्य किया। शास्त्रों के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या का बहुत महत्व होता है। मौनी अमावस्या के दिन ही मनु ऋषि का जन्म हुआ था, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस दिन मौन रहकर ईश्वर की साधना की जाती है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस मान्यता के अनुसार श्रद्धालुओं ने मौन रहते हुए गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। वाराणसी के दशाश्वमेध 80 पंचगंगा आदि घाटों पर काफी भीड़ रही। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क रहा। घाटों पर पुलिस ने निगरानी रखी। वहीं एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम मौजूद रही, श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाने की हिदायत देते रहे। इसी कड़ी में 80 घाट पर बटुक महाराज ने बात करने पर बताया कि ये माघ का महीना है और इसी महीने में मौनी अमावस्या का स्नान पड़ता है। इसी माघ महीने में पूरे माह लोग कल्पवास करते हैं। आज जो लोग प्रयागराज में कल्पवास करते हैं वो भी काशी आकर बिना कुछ बोले मौन रहकर स्नान करते हैं। स्नान के पश्चात जितना हो सके दान और पुण्य करते हैं और मंदिरों में जाकर पूजा करने के बाद मौन व्रत तोड़ते हैं। गुरु जी, आज किस तरह का पर्व है कि ऐसा स्नान हो रहा है? आज ये मौनी अमावस्या का पर्व है और इस पर आप देख सकते हैं प्राचीन दशाश्वमेध घाट पे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है माँ गंगा में स्नान के लिए। अब माघ मास का ये दूसरा शाही स्नान, अगर कुंभ होता तो ये शाही स्नान का पद भी दिया जाता है। आज काशी और प्रयाग में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य फल के भागी बन रहे हैं। क्या दान स्नान दोनों करने से किस तरह का फल मिलता है? आज के दिन लोग अपने पितरों के नाम पर पिंडदान भी करते हैं। तिल का दान, चूड़ा का दान, लाई का दान, ढूंढा चावल ये सब दान करते हैं ताकि वो अपने पितरों के नाम से मोक्ष प्राप्ति के लिए काशी और प्रयाग में स्नान भी करते हैं और दान करते हैं। भारी भीड़ होती है क्या आज के दिन? तो ये मान के चलते हैं सुबह से अभी तक पूरे अगर काशी के 84 घाटों को मिला के लाखों लोग स्नान कर लिए होंगे और वही कम प्रयाग में कम से कम 20 लाख लोग आज स्नान किए होंगे। सुबह करीब 5 बजे से ये चल रहा है क्योंकि आज 5:28 पे अमावस्या तिथि लगा है, इसलिए थोड़ा लेट से स्नान हुआ है, लेकिन स्नान अभी दिन भर चलेगा। सर, मौनी अमावस्या का पर्व है, आप काशी आए हुए हैं, कैसी अनुभूति है, कैसा लग रहा है? पहली बार आया हूँ, उसके पहले मैंने कभी आया नहीं। तो वैसे तो घूमने के पर्पज से आया था, लेकिन नहान के पर्पज से हम लोग आए हैं। काफी मॉर्निंग हम लोग आए थे, सुबह के 3:30 बजे ही यहाँ पे हम लोग घाट पे पहुँच गए थे और स्नान किया, काफी अच्छा महसूस किया। जैसा काशी में शांति रहती है वैसी आपको अनुभूति हुई? हाँ, अनुभूति तो हुई है, काफी अच्छा महसूस हो रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे काशी के बारे में? नहीं, और कुछ नहीं, यहाँ से स्नान किया और सीधे काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और
काशी विश्वनाथ का दर्शन आज से मैंने 2-4 साल पहले किया था। काफ़ी वहाँ निर्माण ने तो कि अब इस बार जो मैं गया हूँ वहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएँ थी, बहुत सारे चीज़ थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मौनी अमावस्या है और शनिवार के दिन पढ़ने से यह ज़्यादा प्रभावी रहती है। और मौनी अमावस्या का मतलब यह है कि मौन होकर के स्नान करना, ये सूर्योदय के पहले पूजन पाठ स्नान ध्यान कर लेना चाहिए और दान देना कि इसमें भी कम्बल है या गर्म कपड़े हैं या चौण पाद का है, इस तरह का दान करना चाहिए। और मौन होकर के स्नान करने का आज विधान है, मौनी अमावस्या है। ये पितरों के लिए ज़्यादा होता है, पितृ यदि आप दान उद्दान करते हैं तो पितरों को आज का किया हुआ दान वे पितरों के निमित्त होता है और ज़्यादा पूर्ण फलदायी होता है आपके लौकिक जीवन में, इसलिए आज जो है मौन होकर स्नान करना चाहिए। और यह आज रात 3 बजे तक रहेगा, भोर 3 बजे तक रहेगा, पर दिन भर ही करेंगे स्नान, तो फिर शाम के समय लोग करते नहीं हैं, दिन भर आज स्नान चलेगा। G20 सम्मेलन के अंतर्गत रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से रैली निकाली गई। वसुधैव कुटुम्बकम की थीम पर शनिवार को G20 सम्मेलन के लोगों का अनावरण किया गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से वॉकथान का आयोजन किया गया। सिग्रह स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से शुरू होकर वॉकथान साजन तिराहा फातमान मलदहिया पटेल प्रतिमा से होकर महात्मा गांधी काश विद्यापीठ में गांधी प्रतिमा पहुंचकर समाप्त हुआ। शहर के जनप्रतिनिधियों की ओर से हरी झंडी दिखाकर वॉकथान को रवाना किया गया। नगर निगम की ओर से महत्वपूर्ण स्थानों पर 20 देशों के झंडे लगाए गए। सभी चौराहों से स्वच्छता आधारित संदेश प्रसारित हुए। वहीं पूरे रास्ते में PSC बैंड पर देशभक्ति धुन बजाई जा रही थी। इस रैली में प्रमुख रूप से मंत्री अनिल राजभर, मंत्री दयाशंकर मिश्र सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सहित खिलाड़ी, PRD जवान, स्काउट गाइड, व्यापार मंडल, स्कूली बच्चे आदि शामिल रहे। ये देखिए भारत के सामर्थ्य का एक उदाहरण है और दुनिया मोदी जी के रास्ते पर, भारत के रास्ते पर चलना चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी आज विश्व लीडर बनने के तरफ अग्रसर ही नहीं है, बन गए, दुनिया उनके पीछे चल रही है। आज रन फॉर 20 का कार्यक्रम आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। देखिए किस तरह से लोग उत्साहित होकर अपने आप को इसमें भागीदार बना रहे हैं, तो बहुत ही गौरव की बात है भारत के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज रन फॉर 20 कार्यक्रम के तहत आज भारत के सामर्थ्य को हम सब लोग देख रहे हैं और भारत पूरा जाने, खासतौर पर हमारी युवा पीढ़ी इस बात को समझे। इस बात के लिए ये कार्यक्रम है, आम जन को भी इसमें हम हिस्सेदार बना सकें, भागीदार बना सकें, जोड़ सकें इस अभियान के साथ, ये ऐसा कार्यक्रम है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते पोल पर चढ़कर काम कर रहे लाइनमैन को करंट लग गया। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक और लाइनमैन करंट लगने से झुलस गया। बताया जा रहा है कि जयप्रकाश नगर निवासी ज्ञानेंद्र कुमार लाइनमैन सिग्रा नगर निगम विद्युत उपकेंद्र के समक्ष पोल पर चढ़कर कार्य कर रहे थे। इस बीच उन्हें करंट लग गया जिससे उनका दाहिना हाथ झुलस गया। सबस्टेशन ऑपरेटर नीरज कुमार झा का कहना है कि 2 फीडर बंद थे जबकि 1 फीडर चालू था, इस बीच लाइनमैन को करंट लग गया। वहीं विद्युत विभाग की लापरवाही से इससे पूर्व भी हुई मौतों के संदर्भ में जब सवाल किया गया कि उनके लिए क्या काम हुए, तो सबस्टेशन ऑपरेटर का कहना था कि ये अधिकारी करेंगे, यहां से वो जो भी कर सकते हैं करते हैं। कैसी घटना हुई यहां पर? सर ये है कि जैसे मेरा ब्रेकडाउन था, वो फीटर ब्रेकडाउन था, तो 2 फीटर का शटडाउन मतलब यहाँ से लेके गए थे। मेरा 1 फीटर जो कि बैंक कॉलोनी है उसमें भी 10 एम्पीयर की लोड जा रहा था, उसका शटडाउन उसने नहीं लिया था और जो है उसके बाद शटडाउन वहाँ ट्रिप हुआ, यहाँ ट्रिप रिले भी बता रहा है, ट्रिप हुआ उसके बाद। क्या घटना हुई, किस तरह से हुई? उस समय हमारे अधिकारी थे जो मतलब जेई हैं, जेई साहब और बड़े साहब थे। करंट किसको मारा है? ज्ञानेंद्र कुमार हैं, लाइनमैन हैं। कहाँ रहते हैं? रहते हैं बगल में ही है, जयप्रकाश नगर है। कितनी उम्र है? 30 साल करीब होगा। तो लाइन कटी हुई थी जी सर, शटडाउन था, लॉक सीट पे भी शटडाउन की है,
मनीष जी शटडाउन लिए थे, शटडाउन उनका नहीं था, हम दूसरे किसी का था शटडाउन। अचानक फिर महसूस हो गया क्या सर? अचानक सर वो फीटर का शटडाउन ही नहीं लिए थे बैंक कॉलोनी का। अब तक कितनी जान जा चुकी है सर? दो या तीन जा चुकी है सर। दो कुछ आपने किया क्या सर इसके लिए? कुछ किया आपने तक सर? वो तो अधिकारी ही करेंगे सर ना, मेरे यहाँ जो हम कंट्रोलिंग यहाँ कर सकते हैं वो करते हैं यहाँ पे। सर्वविद्या की राजधानी बीएचयू के स्थापना दिवस समारोह की तैयारी चल रही है, आइए जानते हैं बीएचयू के स्थापना के रोचक तथ्य। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक्ट क्रमांक 16 सन 1915 के अंतर्गत की थी। मालवीय जी ने 1916 बसंत पंचमी के दिन विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय को सर्व विद्या की राजधानी भी कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय की नींव मालवीय जी ने चंदा लेकर रखी थी। कुंभ मेले में मालवीय जी ने त्रिवेणी संगम पर देश भर से आए जनता के बीच अपने संकल्प को दोहराया। वहां एक वृद्ध ने मालवीय जी को इस कार्य के लिए सर्वप्रथम एक पैसा चंदे के रूप में दिया था, जिसके बाद इस विश्वविद्यालय की स्थापना में देश के विभिन्न लोगों ने अपना योगदान दिया, जैसे डॉ. एनी बेसेंट, दरभंगा के राजा रामेश्वर सिंह, काशी नरेश, प्रभु नारायण सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आज जहां बीएचयू ट्रॉमा सेंटर स्थापित है, मालवीय जी ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि पूजन वहीं पर किया था, लेकिन वहां पर बाढ़ आने के बाद विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो सकी। इसके बाद मालवीय जी ने स्थापना स्थल के पश्चिमी दिशा में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और संकाय की स्थापना की, जहां पर छात्रगण सुचारू रूप से अपना पठन पाठन करते रहे। वहीं विशेषज्ञों की माने तो जहां पर ट्रॉमा सेंटर स्थापित है वहां पर लगभग हर साल बाढ़ का पानी पहुंच जाता था और कई माह तक पानी लगा रहता था, जिसके कारण वहां पर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो पाई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा जहां पर पहली ईंट रखकर पूजा की गई थी, वहां आज भी वो स्थान मौजूद है और हर साल बसंत पंचमी के दिन वहां पर विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया जाता है, जिसके बाद अन्य विभागों तथा संकाय में पूजन प्रारंभ होता है। स्थापित जगह पर स्थापना पट्टिका लगी हुई है। यहाँ पर हर साल विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाता है तथा बसंत पंचमी आने से पूर्व ही रंगाई पुताई सहित अन्य कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्तमान परिसर से पूर्व दिशा में जहां पर आज बीएचयू ट्रॉमा सेंटर स्थापित है उस स्थान पर किया गया था। उसी के बगल में सरस्वती जी का मंदिर है, उसी को विश्वविद्यालय का स्थापना माना जाता है, परंतु स्थापना के समय ही बाढ़ आ गई, उसके बाद पश्चिमी दिशा में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी आने वाली है, जिसको लेकर हम लोग तैयारियों में जुट गए हैं तथा विभिन्न विभागों से झांकियां निकाली जाती हैं। इन झांकियों के माध्यम से लोगों को संदेश देने का कार्य किया जाता है। की स्थापना कहां पे पहले हुई थी, कहां नहीं पड़ा था, मालवीय जी ने रखा था और इसके पीछे क्या है? देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये इस परिसर में, जो अभी वर्तमान परिसर है, इस परिसर से थोड़ा सा पूरब दिशा में जहाँ पर अभी ट्रामा सेंटर चल रहा है और उसी के बगल में एक सरस्वती जी का मंदिर है, उसी को हम लोग स्थापना स्थल के रूप में देखते हैं, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद से बाढ़ का कार्य समय आ गया, बाढ़ आ गई, तो फिर कार्य का आरंभ जो है वो वहाँ से थोड़ा सा पश्चिम दिशा में हट करके और करना पड़ा और पूरा यह परिसर निर्मित हुआ, क्योंकि अक्सर वह क्षेत्र जो है वो बाढ़ग्रस्त हो जाता था, इसलिए उस परिसर को छोड़ करके थोड़ा सा पश्चिम में शिफ्ट होना पड़ा। और ये जो स्थापना दिवस है बसंत पंचमी के दिन, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विद्या की आराध्य देवी हैं सरस्वती, और सरस्वती के लिए, सरस्वती के उत्सव के अवसर पर हम इस तरह की विद्या मंदिर का जो निर्माण है उसकी अगर स्थापना करते हैं तो वो निश्चित ही अपने लक्ष्यों में पूर्ण होता है, फलीभूत होता है। तो इसी उद्देश्य से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना के द्वारा बसंत पंचमी के दिन की गई थी। और हमारे यहाँ शास्त्रों में वार्षिक उत्सव मनाने का बड़ा महत्व है,
किसी भी जिस तरह से हम लोग जन्मदिन मनाते हैं उसी तरह से संस्थाओं का गृहों का भी वार्षिकोत्सव मनाने का विधान है। तो ये जो वार्षिकोत्सव होता है नई स्फूर्ति का नई ऊर्जा का संचार करता है और इससे निरंतरता बनी रहती है और इस निरंतरता से समसामयिकता का प्रवाह होता रहता है। तो निश्चित ही हम लोगों के लिए एक सुखद अनुभूति है कि वसंत पंचमी के दिन जिस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय अभी विश्वविश्रुत है, जहाँ पर पढ़ने वाला छात्र कर्मचारी एवं शिक्षक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो वो स्थापना दिवस पुनः आ रहा है और हम लोग धूमधाम से उसकी तैयारियां कर रहे हैं। सबसे पहले महामना के स्मरण के साथ सरस्वती जी के पूजन उनके प्रतिमा पे माल्यार्पण के द्वारा आरंभ करते हैं और विगत अनेक वर्षों से कुछ झांकियां भी निकलती हैं जिसमें हम लोग समसामयिक विषयों को सजो करके और समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं और संदेश देते हैं कि हमारा स्वस्थ समाज स्वच्छ और शिक्षित समाज बन सके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भीषण ठंड को देखते हुए लोगों की सुविधा हेतु रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। वाराणसी में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए शहर में जगह जगह रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, जिसमें पर्यटक एवं आसपास के आए हुए यात्रियों के लिए भैंसासुर घाट पर नगर निगम द्वारा ठहरने की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ अलाव की व्यवस्था की गई है। वहां पहुंचने पर कार्य में लगे कर्मियों ने बताया कि परिवार के लिए अलग से व्यवस्था है, लोगों का नाम पता लिखकर उसके बाद उनका बॉडी टेम्परेचर देखकर प्रवेश दिया जा रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने इस कार्य को देखते हुए प्रशासन की सराहना की कि लोगों की सुविधा हेतु काफी इंतजाम देखे गए, लोगों को इस ठंड से काफी राहत मिल रही है। तिवारी जी कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, तो ये शेल्टर होम बना है, आप क्षेत्रीय निवासी हैं, तो किस तरह की लोगों को इससे आरामदायक राहत तो है? यहाँ पर जब से ये शेल्टर होम बना है ये ठंडे के समय में यात्रियों के लिए बहुत ही राहत है। यहाँ पर योगी जी के महत्व से अलाव बिस्तर कम्बल की व्यवस्था पूरा किया गया है। घाट किनारे भी है? हाँ, घाट किनारे बहुत, यहाँ पर जितने यात्री आते हैं उनको बहुत राहत है यहाँ पर, मतलब ये सब अच्छे से। हाँ, पूरा अच्छे, यहाँ पूरा व्यवस्था अच्छे से। सरकार की कैसी योजना? सरकार की योजना बहुत अच्छी है, योगी जी और मोदी जी जो किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। अच्छा, तो क्या व्यवस्था है इस अस्थाई फिल्टर होम में? यहाँ 20 सीटें हैं, रजाई है, गद्दा है और पानी की व्यवस्था है, अलाव की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है और दो दो रूम बना हुआ है लेडीज़ के लिए जो अलग से है। हमारे नोडल अधिकारी राजेश कुमार अग्रवाल जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग देख रेख करते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक की अनुमति रहती है? ये 24 घंटा के लिए है। कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं समय? यहाँ तो बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं, गाजीपुर से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, और कुछ लोग आके बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। ठीक ठाक सब चल रहा है? जी बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। मौनी अमावस्या पर त्रिदेव मंदिर के सेवकों द्वारा गुदौलिया चौराहे पर भंडारे का आयोजन किया गया। मौनी अमावस्या पर्व पर लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए त्रिदेव मंदिर के सेवकों द्वारा गुदौलिया चौराहे पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए स्नानार्थियों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। सेवकों ने बताया कि काशी धार्मिक नगरी है, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, इसलिए इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इस उद्देश्य से इस विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर राम दुबना, श्याम दुबना, भरत सर्राफ, गोविंद सज्जन सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज मौनी अमावस्या के अवसर पर बृहद भंडारा का आयोजन किया गया, जो त्रिदेव मंदिर के सेवक परिवार सारे लोग इकट्ठा हैं और काफ़ी जो है जनता नहा स्नान करके आती है गंगा जी से और उसके बाद यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रही है, जिसमें हम एक एक प्लेट दे रहे हैं जिसमें चार कचौड़ी दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं, गोभी आलू मटर की सब्जी है और हलवा है। कब तक चलेगा ये भंडारा? ये सवेरे 7 बजे से चल रहा है, 2 बजे तक चलेगा। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनीता ने पत्रकार वार्ता के जरिए स्तन कैंसर के प्रति जागरूक किया।
स्तन कैंसर केवल स्त्रियों को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी हो सकता है। अध्ययनों के मुताबिक विश्व में विभिन्न कारणों से होने वाली स्त्रियों की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण स्तन कैंसर ही है। बहरहाल ये लाइलाज हरगिज नहीं है, बशर्ते विभत्स रूप लेने से पहले इसकी पहचान हो जाए और समर्थ एवं कुशल चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा समय पर इसका उपचार शुरू कर दिया जाए। ये दावा विगत 25 वर्षों से कैंसर के इलाज में लगी शहर की कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव ने आज यहां अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया कि वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में 2.5 दशक से चिकित्सा कर्म करते हुए उन्होंने पाया है कि स्तन संबंधी अन्य विकार या कैंसर की पहचान अशिक्षा जनित या उपेक्षा जनित अज्ञानता के कारण बहुत देर में हो पाती है। ऐसी स्थिति में मरीज में खतरे का स्तर बहुत बढ़ जाता है और उसका इलाज दुरूह हो जाता है। डॉक्टर विनीता ने बताया कि मरीजों में स्तन कैंसर की पहचान जल्द से जल्द होने और उनका इलाज शुरू करने के लिए वो 25 वर्षों से लगातार पीड़ितों और उनके परिवारों को जागरूक तथा प्रेरित करने के काम में लगी हैं ताकि कैंसर की पहचान जल्द से जल्द हो सके। 25 वर्ष पूरे होने पे रजत जयंती के उपलक्ष्य में मैंने 23 और 24 जनवरी को फ्री कैंप रखा है, जिसमें आने वाले स्त्रियों का ब्रेस्ट कैंसर का परीक्षण निःशुल्क होना है और जांच और ऑपरेशन 40% तक डिस्काउंट होना है। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला के 3 दिवसीय पूर्वांचल दौरे के अंतर्गत पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश व्यापी व्यापारी महापंचायत 29 जनवरी को कानपुर में शुभारंभ होकर प्रदेश के सभी जनपदों से होकर लखनऊ में संपूर्ण होगी, जिसमें प्रदेश के सभी जनपदों के व्यापारी नेता हिस्सा लेंगे। आज प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल की वाराणसी के हम में हैं, पूर्वांचल के 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरे का उद्देश्य यह है कि 29 जनवरी को व्यापारी महापंचायत कानपुर में आयोजित है, जिसमें प्रदेश के सभी जनपदों के व्यापारी नेता एकत्रित होंगे, अपनी जो बहुत सारी मांगे हैं, पहले की मांगे, कुछ अभी की मांगे हैं और व्यापारियों का उत्पीड़न जिस तरीके से बढ़ा है, उन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी तक अपनी बातों को पहुँचाने का काम करेंगे। जो भी हमारी मांगे, जैसे मंडी शुल्क की बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, व्यापारियों को उत्पीड़न की बात की जा रही है, आपके माध्यम से, उस व्यापारी महासभा के माध्यम से ये हम एक मैसेज जरूर देना चाहते हैं, अधिकारियों को भी बताना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न अगर हुआ तो व्यापारियों ने तैयारी कर ली है, व्यापारी महापंचायत की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग व्यापारी महापंचायत पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में करेंगे और लखनऊ में पूर्ण होगी, जिसमें लाखों की संख्या में व्यापारी वहां पर भी पहुंचेगा। निश्चित रूप से हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि व्यापारी महापंचायत से उत्पीड़न जो होता है उस पर लगाम लगेगी और निश्चित रूप से व्यापारियों को फायदा मिलेगा। लगातार व्यापारियों की उत्पीड़न की बात आ रही है, लेकिन फिर भी आप भी कॉन्फ्रेंस कई बार कर चुके हैं, अभी एक नया मामला विशेषगंज का व्यापारियों ने उठाया है कि वहाँ कूड़ा वगैरह फेंके जाते हैं, गंदगी की जाती है, लेकिन अभी तक इस पर कोई आप लोगों द्वारा कार्रवाई नहीं की, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर अभी हम व्यापारियों के साथ बैठेंगे, विशेषगंज जाना भी है, अगर ये बात निकल करके आती है तो जिलाधिकारी महोदय से हम बात करेंगे और इसको तत्काल निदान करा देंगे। आगे क्या योजना होगी व्यापारियों के लिए आप लोगों की? व्यापारी पंचायत में हम लोग योजना को तय करेंगे और व्यापारी महापंचायत पूरे यूपी में हम लोग कर रहे हैं। मुद्दा सिर्फ एक है कि उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा, उत्पीड़न के खिलाफ हम सड़कों पे हैं और मजबूती से व्यापारी महापंचायत के माध्यम से सड़कों पर होंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कड़ाके की ठंड के बीच मौनी अमावस्या पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मौन रहते हुए गंगा में लगाई पुण्य की डुबकी। G20 सम्मेलन के अंतर्गत सिगरा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से निकाली गई रैली। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते पोल पर चढ़कर काम कर रहे लाइनमैन को लगा करंट।
और भीषण ठंड को देखते हुए लोगों की सुविधा हेतु रैन बसेरों की हुई है उत्तम व्यवस्था। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।